जय हिंद, जय हिंद। कैसे हैं, कैसे हैं आप? ठीक, खैरियत है? हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक है। माँ जी कैसे हैं आप? अलग अलग है, खैरियत है? कैसे बेटा, ठीक है? हाँ, कैसे हो बच्चे, ठीक हो? कैसे बेटा, बैठे आप प्लीज, बैठे। बस आप दो मिनट। ओके, नमस्कार जी। हाँ जी, अच्छा आप हेटलर के? जी जी, हम मिला हूँ, मैं मिला हूँ आपसे, मिला हूँ मैं। सर, ऑर्डिनरी कैप्टन मोहम्मद सादिक शरीफ चक्र 15 दिन। और अब वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ साहब, आपका घर? अच्छा, आप भी इधर कहीं हैं? क्या बात, क्या बात, क्या बात। मेरे भाई है वो, और आपको कैसे पता? आपकी जो पहुंच है वो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, ठीक है। मैं तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरे टीम का, महकमे का, फौज का, सिविलियन का और आपका सबका, कि आप मेरे घर आए और दुख में शामिल हुए। दूसरे ये है कि मेरा बच्चा जो देश के लिए उन्होंने काम किया, जो जिसके लिए गया था फौज में, वो पूरा काम करके गया है, वो उसका मेरे को बहुत गर्व है इस चीज़ का, अपने बच्चे के ऊपर के, जो वो सब का जो है नाम रोशन करके गया और मुल्क के लिए शहीद होके गया। वो तो मेरा यही है कि सबसे जितना भी है बेल्ट फोर्स का, अपील यही है कि वो हर एक बच्चा जो है ना यही काम करे, जो अब्दुल माजिद करके गया देश के लिए, शहीद हुआ है वो और पूरी कौम का नाम रोशन करके गया और मुल्क का नाम रोशन करके गया। उसके बाद जो है जोशी साहब मेरे घर आए हैं, तशरीफ़ रखी है उन्होंने, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और कीर्ति चक्र कीर्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, कीर्ति चक्र उन्होंने दिया है मेरे बच्चे का, तो इसके ऊपर इससे ज़्यादा मेरे को फ़ख्र की कोई बात हो नहीं सकती है, बहुत बहुत फ़ख्र की बात है ये, ठीक है ना। इसीलिए जो है ना आगे बच्चे जो आने वाले हैं वो भी यही काम करें और इसी मुल्क के लिए काम, क्योंकि भर्ती इसीलिए हुए थे वो, तो जिसके लिए कसम परेड उन्होंने खाई थी ना, वो कसम वो उन्होंने पूरी की, तो इसलिए मैं उनका, मेरा एक सीना जो है ख़ास करके माँ बाप का वो सीना चौड़ा करके गया वो। तो कोई भी कौम हो, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, कोई भी है, तो सबका सिर ऊंचा करके गया वो। तो मेरे बच्चे जितने भी हैं ना, उनको सबका मेरा यही अपील है कि सब ऐसे ही काम करके जाएं देश के लिए। इंडियन पूरा देश आज शुक्रगुजार है हवलदार अब्दुल माजिद का, जिन्होंने अपनी शहादत देकर पुंछ, रजौरी और देश को महफूज रखने के लिए और अमन की राह में अपनी शहादत दी। शुक्रिया।